नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि वो खाना कम खाते हैं, बावजूद इसके उनका पेट जो है वो फूला रहता है, पेट में टाइटनेस रहती है, कभी-कभी पेट में ऐठन भी होती है, हार्टबर्न की भी शिकायत होती है, सीने में जलन की शिकायत होती है, तो इस तरह की समस्या उनके साथ लगातार बनी रहती है। तो ऐसे लोग इस तरह की जो समस्याएं हो रही हैं उससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं, आज मैं यहाँ पर इसकी डिटेल्स में बात करूँगा। वो खुद से ऐसा क्या करें कि बिना दवाइयों के वो इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं? अगर बिना दवाई के ठीक नहीं हो रहा है तो फिर कौन सी दवाई इस तरह की जो समस्या है उससे छुटकारा पाने के लिए दी जाती हैं? तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम नवनीत है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज एनके में। चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो पेट फूलने वाली समस्या है, पेट का टाइट रहने वाली समस्या है, कभी कभी हार्ट बर्न की भी प्रॉब्लम हो रही है, गले में जलन की प्रॉब्लम हो रही है, इन सब चीज़ों का केवल एक कारण होता है, वो होता है एसिडिटी। यानी कि जो है एसिडिटी होने के कारण जो है आपके शरीर का जो पाचन तंत्र है उसमें जो है गैस बन रही है, और ये गैस जो है इन सारी चीज़ों का कारण होता है। तो सबसे पहले जो हमारी बॉडी में गैस बन रही है उसको हम समझेंगे कि गैस जो है हमारी बॉडी के किस किस हिस्से में बनती है, और फिर हम अपने डेली रूटीन में क्या चेंजेस करें जिससे कि ये गैस का बनना कम हो जाए। अगर फिर भी जो है हम अपने डेली रूटीन में भी चेंज कर रहे हैं और उससे भी जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो फिर कौन सी दवाइयाँ जो है हम ले सकते हैं जिससे ये सारी समस्याएं खत्म हो जाए। अब ये जो गैस वाली समस्या है इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम समझना पड़ेगा। तो जैसा आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, जो भी चीज़ आप खाते हो वो आपके फूड पाइप, जिसको ईसोफेगस कहते हैं, उससे होते हुआ स्टमक में आपके जो फूड आपने खाया है वो वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पर एसिड का सिक्रीशन होता है जिससे आपका जो भी आपने खाया है वो वहाँ पर ब्रेक डाउन होता है, और फिर स्टमक से ब्रेक डाउन होने के बाद ये आपके छोटी आंत में, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, खाना वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर जो है खाना पचता है। उसके अलावा फिर ये खाना जो है आपके छोटी आंत से होता हुआ आपकी बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत से जो आपका अपचा भोजन होता है जिसको आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती वो फिर आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये जो तीन चीज़ें मैंने यहाँ बताई, एक स्टमक, दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन, तीसरा जो है लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पर ही गैस बनती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टमक में गैस बनने का कारण क्या होता है और फिर उससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। तो स्टमक में जो गैस बनती है उसका सबसे पहला और मुख्य कारण होता है ओवर ईटिंग। जब भी कोई व्यक्ति नॉर्मल तरीके से खाना खाता है, खाने को चबा चबा कर खाता है, आराम से खाता है, तो जैसे ही उसकी पेट की थैली भर जाती है तो ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि पेट भर गया है, और फिर वो व्यक्ति खाना खाना जो है बंद कर देता है। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति जल्दी जल्दी खाना खाता है, खाने के साथ में वो पानी भी लेता है, तो ऐसे में होता क्या है कि जो आपका स्टमक है वो आपके ब्रेन को सिग्नल नहीं दे पाता है कि पेट भर गया है, और इससे जो है होता क्या है कि जो पेट की क्षमता है उससे ज़्यादा जो है व्यक्ति खाना खा लेता है, और लगभग आधे एक घंटे बाद व्यक्ति को एहसास होता है कि उसने खाना ज़्यादा खा लिया है। जल्दी जल्दी खाने पर एक समस्या और होती है कि हम अच्छी तरह से खाने को चबा नहीं पाते हैं, जिससे बड़े बड़े जो खाने के टुकड़े होते हैं वो अब फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक तक पहुंच जाते हैं। तो स्टमक क्या करता है, उन बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा एसिड का प्रोडक्शन करता है। तो हमारे स्टमक में जब ज़्यादा एसिड बनता है तो फिर वो एसिड जो है वो गैस में चेंज हो जाता है, और फिर हमें जो है हार्टबर्न वाली प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि ज़्यादा एसिड बन रहा है। और कभी कभी होता क्या है कि ये जो एसिड ज़्यादा बना है वो हमारी फूड पाइप में आ जाता है, और फूड पाइप में आने से जो है काफ़ी तेज़ जो है हमारे गले में जलन होती है। तो इस तरह की समस्याएं स्टमक में जब एसिड ज़्यादा बनती है तो होता है। स्टमक में एसिड बनने का एक और बहुत ही मुख्य कारण होता है, वो होता है कार्बोनेटेड ड्रिंक। तो आजकल देखेंगे आप मार्केट में बहुत सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं और हम उसका बहुत ज़्यादा रेगुलर यूज़ करते हैं,
जब भी हम कभी किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक को लेते हैं तो आप बोतल में देखिए उसमें बहुत सारी गैस होती है। तो जब भी हम सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक के साथ में बहुत सारी गैस जो है वो हमारे स्टमक तक पहुंच जाती है। कई बार स्टमक से होते हुए ये हमारे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में भी गैस पहुँच जाती है। और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद जब ये गैस हमारे स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, और उसके बाद फिर हमको जो है ढकारे आती हैं, बेल्चिंग, जिसको अंग्रेजी में बेल्चिंग कहते हैं, ऐसा होता है। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जब वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो डकार आती है, तो उनको ये लगता है कि उनका जो उनके अंदर गैस बनी थी वो निकल रही है और उनका खाना जो है पच रहा है, पर भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो भी सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक के साथ में बहुत सारी गैस आपके पेट में चली जाती है और फिर वो गैस जो है वो डकार के रूप में आपके शरीर से बाहर चली जाती है। तो आप अगर खाना जल्दी खा रहे हैं, तेज़ी से खा रहे हैं, आप जो है ओवर ईटिंग कर रहे हैं, इसको कम करिए। आप खाना जो है चबा चबा कर खाइए। सॉफ्ट ड्रिंक अगर आपको इस तरह की समस्या, पेट फूलने की, पेट में टाइटनेस की, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है, तो आपको सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल कम से कम करना पड़ेगा। स्टमक में जो गैस बन रही है उसका एक और भी कारण होता है, जैसे कि हम लोग आजकल बाजार की बहुत सारी तली हुई चीज़ें खाते हैं, तो उसकी वजह, और उसके अलावा जो है बहुत सारे चिप्स जो साल्टी होते हैं उसका इस्तेमाल हम करते हैं, तो इन सब की वजह से जो है जो हमारा स्टमक है वो काफ़ी ज़्यादा एसिड जो है वो रिलीज़ करता है स्टमक में, और फिर उसके कारण गैस जो है बनती है और फिर वो डकार के रूप में हमारे शरीर से बाहर आती है। तो हमको इन सारी चीज़ों का जो है इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और भी कारण हो सकते हैं आपके जो स्टमक वाला रीजन है उसमें गैस बनने का, जैसे अगर अल्सर की प्रॉब्लम है, GERD की प्रॉब्लम है, तो इसके कारण भी एसिडिटी होती है और गैस बनती है। अब अगर आप जो है इस तरह के बदलाव जैसा मैंने यहाँ पर बताया है कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका आपको अगर इस तरह की शिकायत है तो वो धीरे धीरे करके कम होने लगेगी। और इसके अलावा अगर आप मेडिसिन लेना चाहते हैं तो दो तरह के मेडिसिन्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। पहला होता है एंटासिड्स, जैसे आपका डाइजीन टैबलेट आता है, ये एंटासिड्स होती हैं, तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में एंटासिड्स ही दी जाती हैं। तो अगर एंटासिड से आपको आराम हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर उससे भी आराम नहीं होता तो फिर PPI दिया जाता है, यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर वाली जो मेडिसिन होती हैं वहाँ पर वो इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, बहुत सारे साल्ट्स आते हैं, जैसे ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल, रेंसिप्राजोल, तो इस तरह के बहुत सारे साल्ट आते हैं। ब्रांड का मैं नाम लूँ तो जैसे पेंटॉप डी है, पेंटॉप DSR है, रेबी मैक DSR है, इस तरह ओमेज डी है, तो ये बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो PPI की कैटेगरी में आते हैं। तो इनका इस्तेमाल जो है सुबह जो है खाने के आधे घंटे पहले जो है किया जाता है, जिससे इस तरह की अगर समस्या है तो वो जो है उससे जो व्यक्ति को छुटकारा मिल सके। अब बात कर लेते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत होता है उसमें गैस बनने का कारण क्या होता है और इससे छुटकारा कैसे मिल सकता है। तो जो छोटी आंत होती है वो 6 से 7 मीटर लंबी होती है, और यहाँ पर जो गैस बनने का मुख्य कारण होता है वो होता है फूड इंटॉलरेंस। तो बहुत सारे लोग होते हैं, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, तो हर इंसान जो है किसी न किसी फूड से जो है इंटॉलरेंस होता है, यानी कि हर तरह का खाना हर व्यक्ति के अंदर जो है पचता नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, यानी दूध से बनी हुई जो भी चीज़ें होती हैं अगर वो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर उनको बहुत ज़्यादा गैस बनती है। इसके अलावा जो है बहुत सारे लोग फ्रक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, जैसे बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे आते हैं जिसमें फ्रक्टोज ज़्यादा पाया जाता है, तो वो जब उन फूड का इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर उनको काफ़ी ज़्यादा गैस बनने की प्रॉब्लम होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हर व्यक्ति को नहीं पचती हैं, और वो जब इनका सेवन कर लेता है, इनको खा लेता है, तो फिर उनको गैस की प्रॉब्लम होती है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो गैस की प्रॉब्लम हो रही है उसको ब्लोटिंग भी बोलते हैं, और इसके कारण जो है प्लेट काफ़ी ज़्यादा फूला हुआ और टाइट रहता है। इसमें अगर आप कभी गेस करिएगा तो इसमें पूरा पेट नहीं फूला होता, बल्कि जो आपके नाभि के ऊपर का हिस्सा होता है वो ज़्यादा फूला होता है, जिससे व्यक्ति को जो है टाइटनेस पेट में काफ़ी ज़्यादा
लगती है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में गैस बनने के कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए या फिर आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो बढ़ जाएं और जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो कम हो जाए। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में गैस को बढ़ाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनसे छुटकारा कैसे मिल सकता है। तो जैसा मैंने पहले बताया स्टमक वाले में कि एंटासिड्स का आप प्रयोग कर सकते हैं, उसी तरह से अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, गैस की, पेट फूलने की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप एंटासिड्स लेके देखिए। एंटासिड से काम नहीं चल रहा है तो आप PPI में कोई भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले ही ब्रांड्स के नाम बता दिए हैं, तो आपको जो है ये सारी समस्याएं जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। अगर इन सारी चीज़ों से भी काम नहीं चल रहा है तो लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं एक बोनस टिप बताऊंगा, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि इन सारी चीज़ों के अलावा और एक कौन सी मेडिसिन आती है जिसको जो है डॉक्टर लास्ट में पेशेंट को देखता है और उसको इस तरह की जो भी समस्या होती है वो ख़त्म हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है कई बार जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर उसमें कई तरह के एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करता है। एंटीबायोटिक्स से जो है हमारे जो पेट है उसके स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है उसमें जो गुड बैक्टीरिया है वो कम हो जाते हैं और बैड बैक्टीरिया है वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केस में जो है डॉक्टर सिर्फ प्रोबायोटिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा गैस जब बन जाती है तो कई बार डॉक्टर साइमेथिकोन सिरप का सिरप का इस्तेमाल करते हैं। तो साइमेथिकोन जो साल्ट होता है ये जो छोटी छोटी एयर बबल्स होती हैं उनको बड़े एयर बबल्स में कन्वर्ट कर लेती हैं और फिर ये आसानी से आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो गैस बनी है उसके कारण हैं और आप इसका इलाज इस तरह से कर सकते हैं, पर इलाज जो है आप डॉक्टर के देखरेख में ही करें। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन में गैस बन रही है उसका कारण क्या होता है और फिर उससे उसको कम कैसे किया जा सकता है, इसकी मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ। तो जो भी आपका लार्ज इंटेस्टाइन में उसमें सबसे बड़ा कारण वहाँ पर गैस बनने का ये होता है कि जब भी व्यक्ति कोई भी फूड इंटॉलरेंट होता है, यानी कि उस व्यक्ति को वो फूड सूट नहीं करता है और वो इसको खा लेता है तो ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में भी नहीं डाइजेस्ट होता और ये आ जाता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में इसका जो है फर्मेंटेशन होता है जिससे वहाँ बहुत सारी गैस बनती है और ये गैस क्या होती है कि आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए आपके एनस के थ्रू बाहर आपके शरीर से निकलती है और ये बदबूदार होती है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को दिन में 10 से लेके 15 बार फ्लक्चुएंस की हो रहा है, यानी कि सामान्य भाषा में फ्लक्चुएंस को जो है गैस पास करना कहते हैं, तो 10 से 15 बार कोई भी व्यक्ति दिन में गैस पास करता है तो ये सामान्य की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा गैस पास कर रहा है तो फिर वो अपने खाने पर ध्यान दे, अगर वो जल्दी जल्दी खा रहा है तो उस पर ध्यान दे, खाने के साथ में पानी अगर पी रहा है तो उस पर ध्यान दे, खाने के आधे घंटे पहले जो है वो पानी पी ले और खाने के आधे घंटे बाद इसीलिए बोला जाता है कि पानी पी ले। तो ये जो है कारण है लार्ज इंटेस्टाइन में गैस बनने का। लार्ज इंटेस्टाइन में गैस बनने का एक कारण और होता है कि जब भी व्यक्ति लंबा गैप करता है खाने के बीच में तो उसमें जो है जो बैक्टीरिया होते हैं पेट के अंदर वो काफ़ी तेज़ी से चीज़ों को डाइजेस्ट करने लगते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में और फिर फर्मेंटेशन जो प्रोसेस अंदर होती है बॉडी के उससे जो है काफ़ी ज़्यादा गैस जो है वो निकलती है लार्ज इंटेस्टाइन में और वही गैस जो है हमारे शरीर से बाहर निकलती है। तो ये भी एक बड़ा कारण होता है गैस बनने का। तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी अगर गैस ज़्यादा बन रही है तो उसका सबसे प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है एंटासिड, सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट काफ़ी कारगर है वो PPI है और कई बार जो है प्रोबायोटिक्स का भी इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा किया जाता है। अब इन सारी चीज़ों को करने के बाद भी अगर किसी भी व्यक्ति का जो पेट फूलने वाली समस्या है वो कम नहीं हो रही है, उसको हार्टबर की प्रॉब्लम बनी है, उसने जो है ये सारे तरीके अपना लिए, उसने जो है एंटासिड्स ले लिया, PPI लिया, फिर भी उसको जो है समस्या बनी है, तो ऐसे में फिर डॉक्टर उसको गैनाटोन लिखता है। गैनाटोन दो तरह की आती है, गैनाटोन 50 mg की आती है, गैनाटोन 150 mg की आती है। तो डॉक्टर क्या करता है कि किसी भी व्यक्ति को बोलता है
गैनाटोन जो है आप खाना खाने के आधे घंटे पहले खाली पेट इसको लेना है। तो अगर गैनाटोन 50 डॉक्टर लिखता है पेशेंट को, तो वो 3 टाइम इसको लेने की सलाह देता है। और अगर वो 150 mg देता है पेशेंट को, तो फिर वो सुबह इसको खाने के आधे घंटे पहले लेने की सलाह देता है। अब गैनाटोन देने से जो उसके जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट होता है, वो चाहे लार्ज इंटेस्टाइन का हो स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको मूवमेंट बढ़ जाता है। और मूवमेंट बढ़ने से फिर उसको उसके अंदर जो खाना पच नहीं रहा है वो इजली पचने लगता है, और जो खाना नहीं पचता है वो फिर उसकी बॉडी से इजली बाहर हो जाता है। तो गैनाटोन इज़ द लास्ट ट्रीटमेंट जो डॉक्टर इस्तेमाल करता है अगर किसी को पेट फूलने की समस्या से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।